फिर से आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर स्वागत है। जी हां, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि बिहार के अलग अलग जिलों में आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को चयन मुक्त करने की कार्रवाई कुछ दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। मैंने आप सभी को दो चार जिलों का रिपोर्ट भी दिखाया हुआ था और बताया था कि लगभग सभी जिलों में ऐसी ही स्थिति है। सभी जिलों में से कुछ कुछ परिणाम में कुछ कुछ सेविकाओं और कुछ सहायिकाओं को जो है चयन मुक्त किया जा रहा है। हालांकि इसके पहले जो है कई बार वार्ता की गई और परियोजना स्तर से भी दो बार नोटिस आप सभी को जरूर मिला होगा कि अपने काम पर वापस लौटे अन्यथा आपको चयन मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि बिहार के बिहार शरीफ यानी कि नालंदा जिले में जब अलग अलग सेविकाओं सहायिकाओं को यानी कुछ चुने हुए सेविकाओं सहायिकाओं को चयन मुक्त करने का लिस्ट जारी हुआ तो वहां की सभी सेविका सहायिका अपने परियोजना कार्यालय पहुंची और उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया और काफी देर तक जो है परियोजना ऑफिस में सीडीपी ऑफिस में हंगामा देखने को मिला। ये कहीं ना कहीं आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स की एकता को बताता है। यहाँ तक परियोजना स्तर से जो है सीडीपीओ या जो भी अधिकारी पदाधिकारी थे उनके स्तर से जो है उस परियोजना के अंतर्गत या जिले के अंतर्गत जो भी संघ की नेतृत्व करती थी उनसे वार्ता करके हड़ताल तोड़वाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि इस बार सरकार मांग नहीं मानेगी, हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, काम पर वापस नहीं आएंगे। ये बड़ी खबर है कि कुछ सेविका को चयनमुक्त करने के संबंध में सभी सेविका सहायिका जो है अपना इस्तीफा सौंपने पहुंच गई है। चलिए दिखाते हैं खबर को। आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप चाहे बिहार के किसी भी जिले की सेविका सहायिका हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा तो आप देखिएगा ही। शुरू में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। किसी किसी वीडियो को मैं स्पेशली ज़्यादा शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस वीडियो में उस खबर में बहुत बड़ी बात होती है। आप सभी को जरूर जाननी चाहिए सभी सेविकाओं और सहायिकाओं को, क्योंकि जिस प्रकार अभी तक यूनिटी बन रही है और वो यूनिटी आगे तक बनी रही, थोड़ा सा धैर्य और रखेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि लंबी लड़ाई करने के लिए, सरकार से लड़ने के लिए जो आप लोगों के अंदर धैर्य और मजबूती होना जरूरी है। आपको वीडियो पसंद आएगी तो मालूम है, याद हो गया होगा, वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक जरूर कीजिएगा। बिहार शरीफ नालंदा जिले की खबर है। मैंने कहा कि सभी सेविका सहायिका ध्यान से देखिएगा। आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने इस्तीफा दिया, हंगामा किया। देखिए, एक दो सेविका और सहायिकाओं ने, सभी सेविका और सहायिकाओं ने जो है रिजाइन के लिए वहां पर लिख दिया हुआ है कि हमें नौकरी से हटा देना चाहिए। खुद ही अपने से ही सेविका सहायिका परियोजना कार्यालय पहुंच गए, बड़ा हंगामा हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ, सभी सेविकाओं और सहायिकाओं ने इस्तीफा क्यों दिया? ये एक तरह से यहाँ सेविकाओं और सहायिकाओं की चट्टानी एकता और एकजुटता और एक अच्छे माइंडसेट के बारे में ये खबर हमें जानकारी देता है। तो ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार क्या स्थिति उत्पन्न हुई। नीचे आते हैं, लिखा गया 38 सेविका व 3 सहायिकाओं को चयनमुक्त किए जाने का विरोध कर रही आंगनबाड़ी कर्मी, नालंदा जिले की खबर है। 4 सूत्री मांगों को लेकर पिछले एक महीने से अधिक समय से जिले की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर है। हड़ताल पर रहने वाले जिले की 38 सेविकाओं व 3 सहायिकाओं को सोमवार को चयनमुक्त कर दिया गया। देखिए, एक जिले में जो है हजारों सेविका सहायिका होती हैं, लेकिन सिर्फ 38 सेविका और 5 सहायिका को चयनमुक्त क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए नीचे क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि चयनमुक्त की जानकारी मिलते ही जिले की सभी, इस बिहार शरीफ जिले की सभी सेविका सहायिका मंगलवार को ICDS कार्यालय पहुंचकर सामूहिक इस्तीफा देते हुए जमकर हंगामा किया। अगर संघ कहना है, जहां यूनिटी ज़्यादा एकता ज़्यादा, अगर कहना है कि सरकार अगर बर्खास्त कर रही है, चयन मुक्त कर रही है, तो सिर्फ गिने चुने सेविका को नहीं करे, सभी को कर दे और सरकार अपना काम खुद से करवा ले या किसी की नियुक्ति कर दे, ऐसा संघ का और कार्यकर्ताओं का कहना है। इसीलिए जब कुछ गिने चुने सेविका और सहायिका को चयन मुक्त करने के लिए लेटर जारी हुआ तो सभी सेविका सहायिका, जिले की सभी सेविका सहायिका ICDS कार्यालय पहुंची और सामूहिक रूप में सभी ने इस्तीफा देते हुए हंगामा किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर नालंदा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के जिला अध्यक्ष आशा कुमारी ने बताया कि 4 सूत्री मांग को लेकर 9 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। सरकार हम पर दबाव डालने के लिए बर्खास्त कर रही है। मंगलवार को हम लोग सामूहिक रूप से अपना अपना इस्तीफा सौंपने आए हैं। सरकार जब तक हम लोग को बात नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। DPO ने बताया कि उनके स्तर से आंगनबाड़ी संघ के जिला अध्यक्ष से हड़ताल खत्म कर वापस काम पर लौटने के संबंध में वार्ता की गई, लेकिन हड़ताल वापस तोड़ करके वापस लौटने के वो लोग तैयार नहीं है। इससे पहले CDPO के स्तर से यानी परियोजना के स्तर से सेविकाओं के अंदर बंद रखने पर 2 बजे स्पष्टीकरण और नोटिस भी भेजा जा चुका है।
सभी लगभग सभी जिलों में जो है कई सेविकाओं को सहायिकाओं को चयनमुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बिहार शरीफ ऐसा पहला जिला जहां से मुझे खबर मिली है कि कुछ सेविकाओं सहायिकाओं को चयनमुक्त करने के बाद सभी सेविका सहायिका पहुंच गई कि आप हमें भी काम से हटा दीजिए, क्योंकि हम सबको आपको काम को हटाना होगा, तब जाके जो यहाँ पर एकता यूनिटी बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मजबूती और धैर्य ज़्यादा चाहिए। अब आप पूरी खबर सुन लिए होंगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को ये मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि कुछ जिलों में खबरें ये निकल के आ रही है कि कहीं कहीं एकाध केंद्र खुल रहा है, कहीं बंद हो रहा है, ऐसे करने से कहीं कुछ जीत होने वाली नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।